हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अमित आपका अपने यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग में स्वागत करता हूं। जैसा कि बैनर देख रहे हैं, आज हम बात करेंगे इंट्राडे शॉर्ट ट्रेडिंग के बारे में। कैसे डिप्लॉय करना है, क्या एडजस्टमेंट होंगे, कैसे आप इसमें से रेगुलर प्रॉफिट कमा सकते हैं, तो ये कैलकुलेटर मैंने बनाया है, आपको दिखा दूँगा। ये कैलकुलेटर है, इसी से हम अपने एडजस्टमेंट और अपना जो भी हमारा एडजस्ट करना है, हमको स्ट्राइक कौन सी चेंज करनी है, सब ये कैलकुलेटर आपको बताएगा। आपको सिर्फ इस कैलकुलेटर को फॉलो करना है। ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल बेस्ड स्ट्रेटजी है, आपको किसी भी एंगल से कोई भी रूल ब्रेक नहीं करना है। तो मैं आपको पहले दिखा दूँ कि हम कौन सा दिन टेस्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए, हम बात कर रहे हैं 22 फरवरी को, हम 22 फरवरी का दिन टेस्ट करेंगे। 22 फरवरी मैंने क्यों चुना आपको बता दूंगा। देखिए, स्ट्रगल को सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है मैनेज करने में जब उस जिगजैग मार्केट में रहे, ऊपर नीचे। आपको मैं एक लाइन चार्ट दिखा देता हूँ। ये देखिए, आपका मार्केट चालू हुआ, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गया, फिर ये ऊपर आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ऊपर गया और ये फिर नीचे आके यहाँ पर क्लोज हुआ। तो स्ट्रगल को इस जैसे दिन में मैनेज करने में बड़ी कठिनाई होती है, क्योंकि आपका अपर साइड के स्टॉप लॉस क्रिएट करता है, लोअर साइड के भी स्टॉप लॉस क्रिएट करता है। तो हम इससे कैसे बचेंगे और हम कैसे इसमें फ़ायदा कमा के निकलेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा ये कि ये जो स्ट्रेटेजी मैंने डेवलप की है, ये इसमें मैंने फोकस किया है कैपिटल को सेव रखने के लिए। मतलब प्रॉफिट भले ही कम हो, पर हमारा कैपिटल हमारा सेफ रहे, ये मेरा इसमें मेरा फोकस है। अब मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ ये इसको यूज़ कैसे करना है। तो ये मैंने सेलेक्ट करके रखा हुआ है कि 22 फरवरी का 9:20 में हमको स्ट्रगल डालना है। और इसका कैलकुलेटर में कैसे यूज़ करना है मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये आपका अपने 37,000 के कॉल पुट सेल किए हैं एट द मनी के, तो उसको आपको यहाँ पर 37,000 डाल देना है। ये आपको आपके स्ट्राइक्स बता देगा आपको एडजस्ट कहाँ करना है। तो जैसे 37,250 पहुँच गया, तो आपको 37,000 को स्क्वायर ऑफ करके 37,000 को सेल करना है। ये आपको बाकी पूरी रीडिंग खुद देता रहेगा, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको फॉलो करना है बड़ी स्ट्रिक्टली कि हम कैसे क्या करने वाले हैं। तो मैं आपको सीधा ले चलता हूँ ऑप्शन में, और यहाँ से मैं आधे घंटे आकर आपको लेकर चलता हूँ। देखिए, हमारा एडजस्टमेंट है 37,250 में, हम आगे चलते हैं 37,250। देखिए, हम 37,144 पहुँच गए हैं, हम 37,123 पहुँचे हैं, 37,300 पहुँच गए, हम थोड़ा पीछे चलते हैं 37,260 में। देखिए, हमारा ये ब्रीच हो गया 37,250। तो अब हम यहाँ पे एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ये जो हमको लॉस दे रहा है लेग, उसको हम स्क्वायर ऑफ करेंगे 580 में। हमने उसको स्क्वायर ऑफ किया और यहाँ हमको कैलकुलेटर हमारा बता रहा है कि 37,300 हमको सेल करना है। तो अब यहाँ पर हम 37,300 डाल देंगे। अब हमारा नया देखिए सब बदल गया है रीडिंग, यहाँ पे 37,400 में हम अभी एडजस्ट करेंगे। अभी हम 37,300 हम सेल कर दें, 37,300 का हम सी सेल कर देते हैं। अब आपका ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हमको ऊपर 37,400, नीचे 36,900 में एडजस्ट करना है। देखते हैं 36,900 आता है कि 37,400 आता है। मार्केट वापस पीछे आने लगा है, 37,150 आ गया है, 37,060 आ गया, हमको एडजस्ट करना है 36,900 में। तो हम 15 मिनट आगे चलते हैं, नहीं मौका मिला भी, 37,412 हो गया हमारा, हमको 37,400 में एडजस्ट करना था। तो हम अब उसको एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने में हम क्या करेंगे, हम 37,404 का जो हमारा ये है, इसको हम एडजस्ट करेंगे 37,300 वाले को एडजस्ट करेंगे, 37,404 वाले को हम एडजस्ट करेंगे 37,449 होता है। हमने ये स्क्वायर जिसमें हमको लॉस होता है, हमने उसको स्क्वायर को दिया,
अब हम फिर कैलकुलेटर की तरफ जाएंगे और कैलकुलेटर में हम देखेंगे कि हमें क्या करना है। 37,400 का सेल करना हमको, हमारे पास 37,400 डाल देंगे। अब हमारा 37,450 का ब्रेक इवन निकला है, 37,400 हम सेल कर देंगे सी, 37,400 हम सी सेल कर दिए। हमारा चार्ट को जब ऐसा दिख रहा है, हमारा ब्रेक इवन है 37,450 और 36,950। तो देखिए 37,450 आ रहा है क्या, 37,450 450 आ गया, 400 इनफैक्ट 492 हो गया है। तो यहाँ पे फिर हम एडजस्टमेंट करेंगे, हम यहाँ पे 441 में इसको बुक करेंगे। अभी आप 1699 के प्रॉफिट में हैं और यहाँ पे हम अब देखिए 37,500 सेल करेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको ये रीडिंग दिखा रहा है, यहाँ पे इसके बाद मतलब इसके आगे कोई गुंजाइश नहीं बची। अगर ये 37,500 को जैसे क्रॉस करता है, इसका कोई गुंजाइश नहीं हमारे पास कि हम इसको आगे एडजस्ट कर सकें। तो हम क्या करेंगे, जो पी साइड है हमारा, इसमें हम प्रॉफिट बुक करके इसको भी 37,500 में देंगे। तो मैं इसको 37,500 में खुद देख दूँगा। तो अब हमारे पास दोनों तरफ हेड हेड से पहुँची रही बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे इसको स्क्वायर ऑफ कर देता हूँ 215 रुपये में, स्क्वायर ऑफ किया मैंने। और अब जैसे कि 37,500 हमने बात की थी, 37,500 का सी पी दोनों हम शॉर्ट कर देंगे। 37,500 का सी और पी दोनों शॉर्ट कर देंगे। अब हमारा कुछ ग्राफ ऐसा दिख रहा है। अब हमारे को एडजस्टमेंट कब करना है, 37,750 में, 37,250 में। अब आगे चलते हैं। अब देखिए 3:10 हो गया है, इस पॉइंट तक तो हमको इसमें से निकल जाना चाहिए था, पर हम टेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम पूरा लेकर चलेंगे। तो 3:10 हो गया है, हम 37,400 में हैं, हमको 37,250 से 37,750 में हमको एडजस्ट करना है। तो हम आगे चलते हैं 15 मिनट। 37,300 पहुँच गए हम, हमको अभी हम अपने ब्रेक में से दूर हैं। इंट्राडे में अगर आप कर रहे होते तो आप तो 10 मिनट पहले निकल गए होते। अभी हमारा प्रॉफिट हो रहा है 2,962 रुपये और हम इसमें 5 मिनट और चलते हैं, हमारा प्रॉफिट हो गया 2,766 रुपये। ये हमारा जो मैंने आपको दिखाया 22 तारीख का, जिसमें zigzag मार्केट था, इसमें हमने एडजस्ट किया हमारे कैलकुलेटर के थ्रू और ये बहुत अच्छा काम किया। और जनरली आपको जो दिन मिलेंगे वो आपको इस तरह के दिन मिलेंगे, ये आपको मैं दिखा दूँ, आपको इस तरह के दिन ज़्यादा मिलेंगे ट्रेड करने के लिए, या फिर आपको वन साइडेड मूव देने वाले दिन मिलेंगे। जैसे आपको दिखा दूँ, जैसे ये आप देखिए एक एग्जांपल अपना अच्छा लग गया अभी यहाँ पे। ये जो दिन है जिसमें मार्केट ने शायद 1400 पॉइंट मूव किया था, मतलब मार्केट ऊपर से नीचे तक 1700 पॉइंट सॉरी मूव किया था मार्केट, हमारा कैलकुलेटर इसमें भी बड़ा अच्छा काम करेगा। मतलब जहाँ इस पॉइंट में लोगों को स्ट्रगल मैनेज करने में इम्पॉसिबल लग रहा होगा, उसमें भी हमारा कैलकुलेटर ने अच्छा काम किया होगा। चलिए मैं आपको टेस्ट भी करके दिखा देता हूँ। ये तारीख है 24 तारीख और 24 तारीख को हम सीधे चलते हैं और 24 तारीख में टेस्ट करके देखते हैं कि हमको हमारे कैलकुलेटर ने कैसा काम किया होता। तो मैं ये एक दिन आगे गया, दो दिन आगे, 24 तारीख आ गया। 24 तारीख को बड़ा फॉल आया था मार्केट में और इसको मैं 24 कर देता हूँ, 24 क्योंकि एक्सपायरी भी थी। अब देखिए आप यहाँ पे 50 एल्टा सेल करेंगे, ये 50 एल्टा 36,500 का सी और 36,500 का ये आपने सेल कर दिया। तो यहाँ पे 36,500 और 500 सेल कर दिया, क्योंकि एक्सपायरी का दिन है तो हम इस 150 रुपये से ऊपर नहीं रुकेंगे, और बल्कि हम पहले निकलेंगे कि एक्सपायरी के दिन जब डे एंड होता है समय गामा इफेक्ट कारण आपको
आपका प्रॉफिट पूरा जा सकता है, इनफैक्ट आप लॉस में जा सकते हैं। तो हम एक्सपायरी के दिन बहुत जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे, हमारा टारगेट होना चाहिए कुछ। चलिए खैर, हम तभी तो टेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा ये देखिए 36,250 36,750 ये हमारा एडजस्टमेंट का पॉइंट है। अब हम इसको आधे घंटे आगे चलते हैं, लेके आधे घंटे में बहुत आगे निकल गए, 15 पीछे कर देते हैं। हमारा था एडजस्टमेंट था 36,250, अब हम 5 पर आगे चलते हैं, 260 के करीब हो गया है। अभी सीधे से लंबा जंप मारा तो हम यहीं एडजस्ट करते हैं इसको, क्योंकि ऑप्शन में आप 1 मिनट का तो कोई स्कोप है नहीं, तो मैं यहीं इसको एडजस्ट करता हूँ। मैं जो लॉस दे रहा हमको ले 360 में इसको बुक कर देता हूँ। सिस्टम बुक कर लिया है, अब हम पी साइड में हमको क्या बेचना है, पी साइड में बोले 36,300, मैं 36,300 डाल दूँ, 36,300 डाल देता हूँ। अब हमारा ये एडजस्टमेंट स्ट्राइक हो गई, मैं 36,300 का पी सेल कर देता हूँ, 36,300 का पी मैं सेल कर दिया। अब हमारा ग्राफ कुछ ऐसा देखा, देखिए अब अभी हम 1,500 रुपीज के प्रॉफिट में हैं। मैं इसको 15 मिनट आगे लेके चलता हूँ, 36,70 हो गया, 36,150 में हमको उसको एडजस्ट करना था। देखिए 36,150 आता है कि नहीं आता है। अब से देखिए सीधे 36,150 तो आया नहीं, सीधे 36,087 पहुँच गया हम, तो उसको हम नहीं, चलिए कोई बात नहीं, उसको ही बुक करते हैं। अब 358 रुपये मैं हम इसको 98 बुक किया उसको। अब हमारा कैलकुलेटर हमको बोल रहा है कि 36,200 को शॉर्ट करिए, पर हमारा मार्केट भी 36,87 में, 36,200 हम शॉर्ट कर देते हैं, 36,200 का पुट हमें शॉर्ट कर दिया। वैसे हमको ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हम मार्केट से आगे निकल जाएंगे ऐसे में। अब हमारा ब्रेक इवन बन रहा है 36,150, जो कि हम 36,150 के पीछे हैं, पर फिर भी हम चलो इसके टेस्ट करेंगे इसको हम, और 36,650। अब मैं इसको 15 मिनट आगे लेके चलता हूँ, हमें मान चल रहा है कि 36,150 हम पहुँच जाएंगे। चलिए हम बीच पहुँच गए हैं और ये बज गया 11, हमारा 36,150 में उनको सेटल करना था। देखते हैं 36,150 के नीचे जाता है कि नहीं जाता है, 36,150 के नीचे चला गया है। हम क्या करेंगे, अब हम इसमें फिर जो साइड हमारा ब्रीच हो रहा है, हमारा पी साइड ब्रीच हो रहा है, उसमें प्रॉफिट बुक करेंगे। इनफैक्ट क्योंकि एक्सपायरी का दिन 3:39 239 बुक करेंगे। अब हम सेल करेंगे 36,200 को हम सेल करेंगे, तो अब हमारा 36,100 हमारा एडजस्टमेंट पॉइंट रहेगा। 36,200 को हम सेल करते हैं, 36,200 को हम सेल करेंगे और ग्राफ को हमारा ऐसा देखेगा, पॉइंट हमारा 36,100। अगर 36,100 पहुँचता है तो हम इसको एडजस्ट करेंगे। अब आगे चलें, 36,100 पहुँच गए हम, इसमें हम फिर लॉस बुक करेंगे 320 रुपये का, 320 रुपये का लॉस बुक करेंगे। हम क्लोज करेंगे इसको 252 रुपये में, 252 में उसको स्क्वायर ऑफ किया। और अब हमको 36,100 सेल करना है, 36,100 सेल करेंगे। देखिए हमको इसके बाद फिर हमारे पास स्कोप खत्म हो जाएगा,
अब हम क्या करेंगे इसको बढ़ाने के लिए, कि हम 36,500 का हमने सी से किया था, इसको स्क्वायर ऑफ करेंगे हम। तो हम इसको स्क्वायर ऑफ करके 54 रुपये में हम इसको स्क्वायर ऑफ कर लेते हैं। और 36,100 इसको भेज देते हैं, 36,100 इसको भी हमने भेज दिया। अब हमको देखिए रेंज मिल रही है, हम 36,100 और सी पी दोनों शॉर्ट कर देते हैं। 36,100 का सी और 36,100 का पी एम दोनों शॉर्ट कर दिए। हमारी रेंज आप देख लिए 36,350 और 35,850, 250 पॉइंट की हमको रेंज मिली है। अब हम यहाँ से देखते हैं क्या होता है। अब हम आधे घंटे चलते हैं आगे। 36,212 हमको एडजस्ट करना है 36,350 में, 36,075। अभी कोई हमको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट हमारा 2,700-2,800 रुपये करीब हो गया। 15 मिनट आगे चलते हैं, फिर 15 मिनट आगे चलते हैं। हमारा प्रॉफिट 3,3600 रुपये हो गया हमारा प्रॉफिट। फिर आगे चलते हैं, 3,3400 रुपये हमारा प्रॉफिट हो गया। हम पहुँच गए 35,929 पे, हमको 35,850 में एडजस्ट करना है। हम फिर आधे घंटे आगे चलते हैं, 15 मिनट। हमारा प्रॉफिट हो के 4,200 हो गया। और अब हम 15 मिनट आगे चलते हैं, हमारा प्रॉफिट 4,280 हो गया। बस यही पॉइंट है हमको, इस पॉइंट पे हम जनरली एक्सपायरी के दिन हम इस बजे इतने बजे आके हम यहाँ पे हम सेटल हो जाते हैं, क्योंकि इसका गामा का इफेक्ट बढ़ जाता है। पर मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ कि क्योंकि हमारा मार्केट यहाँ से फिर गजब का दबाव आया था, सेलिंग प्रेशर आया था। अब अगर हम इसको समझिए 3:30 बजे तक पूरा खींच के लेके जाते, क्योंकि एक्सपायरी के दिन नहीं ले आया जाता है, पर फिर उसको लेके जाते तो हमको क्या असर पड़ता, क्या नुकसान, क्या फ़ायदा हमको होता। मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि डाउन साइड हमारा ब्रेक इवन है 35,850। अब मैं 35,850 तक देखता हूँ, 35,816 हो गए। अब इसको मैं एडजस्ट करूँगा यहाँ पे 35,816 में, तो इसको मैं 319 रुपये में, 319 रुपये में एडजस्ट किया मैंने। और 35,900 मैंने सेल किया। ये हमारे एडजस्टमेंट के पॉइंट आ गए। मैं 35,900 का पी सेल कर, 35,900 का पी सेल कर देता हूँ। देखिए हमारा पे ऑफ कैसे बन रहा है, ये हमारा पे ऑफ बना। अब मार्केट यहाँ से जैसे कि हम जानते हैं 23 इंची गिरेगा। 15 मिनट आगे चलते हैं, हमारा प्रॉफिट 3,400 बच गया है। फिर हम 15 मिनट आगे चलते हैं, 2 बज गए, 2 बजे हम एकदम टॉप में हैं, 4,662 रुपये हुआ। अब यहाँ से हम 15 मिनट आगे चलते हैं, फिर 15 मिनट आगे चलते हैं, देखिए 35,800-750 में एडजस्ट करना है। 5 मिनट आगे चलते हैं, 713 हो गया, हम ब्रीच हो गए हैं। अब हमको 191 और हमने सेल किया था, इसको 202 में हम लॉस बुक करेंगे। हमने लॉस बुक किया। अब आप आगे देखिए, अब हमको क्या करना है इसमें, हमको उसमें 35,800 सेल करना है। 35,800 हमने सेल किया, हमारा ब्रेक इवन है 35,700 में हम इसको एडजस्ट करेंगे, तो हम 35,800 भेज देते हैं। ये हमने सेल कर दिया 35,800,
अब हमारा ग्राफ को कैसा दिख रहा है, हम 15 मिनट आगे चलते हैं। पैंतीस 700 में एडजस्ट करना था हमको, 35 अब देखिए 35 700 में एडजस्ट करना है हमको, तो हमें मान लेते हैं 35 700 ही इसी के आसपास होगा, 25 पॉइंट दूर है हम। अब यहाँ पर फिर एडजस्टमेंट करेंगे, एडजस्टमेंट हम क्या करेंगे, हम जिसमें हमको जिस साइड जो हमारा साइड ब्रीच हो रहा है उसको हम बुक करेंगे, 129 वाले को हम 170 में बुक करेंगे, 117 में बुक करेंगे, और इसकी जगह हम 35 700। देखिए 35 700 दोनों आ गए, हमारे पास स्कोप नहीं डाउन से एडजस्ट करने का, हम सी को भी हम 35 700 में शिफ्ट कर देंगे। और हम सीधे यहाँ चलते हैं, और ये हमारा 4 रुपये 45 पैसा, 4 रुपये 45 पैसा में उसको बुक करेंगे। और अब हम 35 700 का स्टडल फिर सेल कर देंगे। ऐसे सेल करने की ज़रूरत होती नहीं अपने को कि 2:50 हो गया है, अब आप क्या ही आगे सेल करेंगे और रिस्क बाकी बढ़ जाएगी, और फिर भी अब हम टेस्ट कर रहे हैं तो हम पूरे टेस्ट करें, 35 700 हम सेल कर देते हैं। पैंतीस सात 700 में सेल कर दिया है, और इसके ब्रेक इवन हमको बन रहे हैं 35 450 35 950। अब देखते हैं क्या है, 35 750 हमारा एडजस्टमेंट हमको कब करना है, वो करना है 35 450 में, 35 375 आ गया है। अब देखिए यहाँ पे स्कोप ही नहीं बनता अपना, क्योंकि हम यहाँ से 3:35 में जाते हैं, तो हमारा जो ब्रेक इवन है वो करीब करीब 75 पॉइंट से ब्रीच हो रहा है, तो फिर हमको आगे एडजस्टमेंट का मौका नहीं मिलेगा। तो आप तो इस दिन को आप 3 बजे ख़त्म मान के चलें, तो इस गिरते हुए मार्केट में हमने जब मार्केट तेज़ी से फॉलो था उसके बाद भी हमने 4092 रुपये अर्न किए, जिसमें मैक्सिमम प्रॉफिट हमको 4500 तक हो सकता था, पर इसको हम आगे खींच के लाए और हमने 4092 रुपये को प्रॉफिट अर्न किया इसमें। तो ये है वो कैलकुलेटर इसको जिससे मैंने कैलकुलेट किया है, और ये है मार्च मंथ का पूरा डाटा जो मैंने आप लोगों के लिए बैक टेस्ट करके रखा हुआ है। तो मार्च के मंथ में टोटल 23 ट्रेड हुए थे, जिसमें से 20 विनिंग ट्रेड थे और 3 लूजिंग ट्रेड थे, ये बाकी डाटा आपको दिख रहा है यहाँ पे। मार्च के मंथ में आपको अगर याद हो मार्च के मंथ में, तो मार्च के मंथ में या तो गैप अप होता था या गैप डाउन होता था, विक्स बहुत हाई था, डिके ना के बराबर मिलता था, सीधे एक्सपायरी के दिन डिके मिलता था, या फिर आखिरी के आधे घंटे में डिके मिलता था। अगर ये कैलकुलेटर मार्च के मंथ को झेल गया और आपको प्रॉफिट दे के गया है इसमें 57,000 रुपीज़, मतलब ये किसी भी कंडीशन में चलेगा। तो आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई सजेशन हो, तो मेरे लिंक में हमारा टेलीग्राम चैनल भी दिया हुआ है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये कैलकुलेटर और ये जो बैक टेस्ट की डाटा शीट ये भी आपको ही मिल जाएगी, आगे आप जैसा आपको कोई दिक्कत जाती है, कोई समस्या आती है, तो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।